नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल, बात बेबाक पे। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जो लगभग 2 दशक से ज्यादा या कहे 8 बार के विधायक हैं। छत्तीसगढ़ से लेकर मध्य प्रदेश तक हर जगह जनता का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और बड़े मार्जिन से जीतने के लिए जाते रहे हैं। अजय योद्धा हैं भारतीय जनता पार्टी के। मुलाकात करते हैं सांसद बृजमोहन अग्रवाल जी से। बृजमोहन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो बहुत बहुत बधाई, एक बड़ी जीत सांसद के तौर पर आपने हासिल की है। अब प्रदेश की पंचायत से एक लंबे समय के बाद बड़ी पंचायत, देश की पंचायत में आप जा रहे हैं। एक होता है कि जब कोई स्कूल से नए स्कूल में जाता है स्टूडेंट, तो थोड़ी सी अंदर कुछ खुशी होती है, रोमांच होता है। आप क्या फील कर रहे हैं, क्योंकि एक लंबे समय बाद आप? एक तरफ 35 साल कोई छोटा मोटा समय नहीं होता, और अगर आप पुराने घर को छोड़कर नए घर में भी जाते हैं तो कहीं ना कहीं भावनात्मक लगाव जो पैदा हो जाता है। मैं तो कहूँगा कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि एक ही विधानसभा की जनता लगातार 35 सालों से 8 बार विधायक बनाती है, और जब उनका ही वही व्यक्ति जब सांसद के चुनाव में जाता है तो जहाँ विधायक के चुनाव में छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा वोटों से जिताती है, तो वही जनता फिर लोकसभा के चुनाव में भी रिकॉर्ड बनाती है कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा वोटों के साथ साथ देश के टॉप 10 में लाती है। तो एक तरफ जहाँ भावनात्मक लगाव, इमोशनल लगाव, जिनके साथ में 35 साल गुजारे हैं, चाहे वो जनता हो, कार्यकर्ता हो या फिर हमारे विधायक साथी हों, तो उनको छोड़ना ये बहुत कठिन काम है। परंतु उसके साथ ही अब देश की सबसे बड़ी पंचायत में जाने का एक उत्साह भी है, खुशी भी है कि अब देश के स्तर पर लोगों के साथ में मेल मुलाकात होगी, नया विजन मिलेगा, और उस विजन के साथ में अब छत्तीसगढ़ के डेवलपमेंट में यहाँ छत्तीसगढ़ सरकार की भागीदारी तो होगी, साथ में अब केंद्र की सरकार की भी भागीदारी हम यहाँ पर लाएंगे, और रायपुर जो छत्तीसगढ़ की राजधानी है उसको भी एक महानगर का रूप देंगे, और छत्तीसगढ़ में भी विकास की ऐसी योजनाएं लाएंगे जिससे कि छत्तीसगढ़ की पहचान देश और दुनिया में बने। लंबी राजनीतिक पारी आप खेल चुके हैं, क्या याद आता है पहली बार जब विधानसभा का चुनाव आप लड़ रहे थे और अब सांसद आप हो चुके हैं, इस्तीफा आपने दिया, आपने कहा भावनात्मक पल भी था, पहली बार चुनाव लड़ते समय का वो क्या लम्हा याद आता है, वो एक वक्त याद आता है, क्योंकि एक ही विधानसभा में लगातार आप इतनी बड़ी? देखिए, जब मैं पहला विधानसभा चुनाव मैंने लड़ा था उस समय मैं 29 साल का था, और उस चुनाव को लड़ते समय मैं छत्तीसगढ़ के नहीं, मध्य प्रदेश के दिग्गज राइस किंग और जो 2 बार विधायक रहे हैं उनके साथ में मेरा चुनाव था, तो मेरे लिए वो बहुत कठिन चुनाव था, और वो पहला चुनाव मैंने मात्र 2700 वोट से जीता था, और जो 8वां चुनाव है वो 65,000 वोट से 67,000 वोट से जीता है। तो वो लम्हा, और उन दिनों में तो एक लड़कपन होता था, स्टूडेंट लीडरशिप का रौब होता था, परंतु धीरे धीरे ये समझ में आया कि स्टूडेंट लीडरशिप अलग चीज़ है, परंतु जनता के बीच में राजनीति करना, सेवा करना, वो एक अलग चीज़ है। और धीरे धीरे, क्योंकि पहली बार ही मैं पटवाजी की सरकार में मंत्री बन गया था, और इसलिए ऐसे दिग्गज सुंदरलाल पटवा, कैलाश जोशी, प्यारेलाल खंडेलवाल, नारायण प्रसाद जी गुप्ता, ऐसे दिग्गज नेता हुआ करते थे, कुशाभाऊ ठाकरे और गोविंद सारंग जी जैसे कड़क संगठन मंत्री होते थे, तो उन्होंने उस लड़कपन को गंभीरता में परिवर्तित कर दिया, और क्योंकि पहली बार ही मंत्री बने तो निश्चित रूप से रायपुर में के लोगों ने कभी सोडियम वेपर लैंप नहीं देखे थे, तो सोडियम वेपर लैंप लगाना रायपुर की जनता के लिए ऐसा था कि जैसे कोई बहुत बड़ा काम हो गया। बूढ़ा तालाब की दीवाल नहीं बनी थी, वो दीवाल बनाना बहुत बड़ा काम हो गया। तेलघानी नाका का ओवरब्रिज बनाना बड़ा काम हो गया। 700 बिस्तर का अस्पताल बनाना, तो उस कम समय में, उस समय भी मेरे पास जो मुझे इस 15-20 सालों के काम में
उस समय भी मेरे पास पर्यटन, संस्कृति, साथ में शुरुआत के दिनों में साइंस टेक्नोलॉजी, नगरी प्रशासन, ऐसे विभाग मुझे देखने का अवसर मिला। तो वो जो सीख मिली मध्य प्रदेश में दिग्गज नेताओं के साथ में, जिन्होंने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, और वो सीख आज तक काम आ रही है। राजनीति की अपने आप में यूनिवर्सिटी आप हैं, अजय योद्धा आज तक कोई आपको हरा नहीं पाया। लोग आपके मैनेजमेंट, आपकी लोकप्रियता या आपके चुनाव लड़ने के तरीकों के बारे में अक्सर सोचते हैं। क्या फॉर्मूला है ये कि आप 29 साल में जो मोहन भैया थे, आज भी आप मोहन भैया के रूप में ही जनता के बीच? ये मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ, और यूनिवर्सिटी मैं नहीं हूँ, यूनिवर्सिटी हमारी दक्षिण विधानसभा की जनता है, जिस जनता ने मुझे चुनाव लड़ना भी सिखाया, मुझे जीतना भी सिखाया, मुझे मोहन भैया भी बनाया। और सिर्फ दक्षिण का मोहन भैया नहीं बनाया, उन्होंने पूरे छत्तीसगढ़ का मोहन भैया बना दिया। तो ये अगर कोई ताकत है तो दक्षिण विधानसभा की जनता क्या है, कि कोई लोग लड़का जब 25-30 साल का हो जाता है तो माँ बाप को छोड़कर चला जाता है। तो जनता ने मुझे 35 सालों तक नहीं छोड़ा, और उसके बाद भी और ज़्यादा प्यार दिया। तो इसके लिए मैं सौभाग्यशाली हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं यूनिवर्सिटी नहीं हूँ। मैंने जो कुछ सीखा है अपने बड़े नेताओं से सीखा है, मैंने कार्यकर्ताओं से सीखा है, और क्षेत्र की जनता से सीखा है। मध्य प्रदेश के समय भी आप मंत्री रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं के साथ, दिग्गजों के साथ काम किया आपने, फिर छत्तीसगढ़ बना, छत्तीसगढ़ में भी लंबी पारी आपने खेली। क्या कोई ऐसा वाकया याद आता है जब बड़ी कठिन परिस्थितियों में आप फंस गए हों और आपको लगा हो कि कैसे किया जाए, वो कैद हो गया हो जहन में हमेशा के? आप चाहे जनता की सेवा के रूप में काम करें, विधायक के रूप में काम करें, एक माँ बाप के बेटे के रूप में काम करें, एक अपने सरकारी कर्मचारी के रूप में काम करें, तो जीवन में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। परंतु मुझे इस बात की खुशी है कि उन उतार चढ़ावों से हमेशा भगवान का इतना आशीर्वाद रहा कि उससे हम बाहर निकल कर आए। और मैं जैसा आपको पहले चुनाव की बात बता रहा था, सिर्फ 2700 वोट से जीते हैं, दो बार सरकार भी नहीं बनी। मुझे याद है कि जब भोपाल में हम 2.5 साल मंत्री रहे, और जब राम मंदिर के बाबरी राम मंदिर के मुद्दे को लेकर फिर सरकार भंग हुई, तो उस समय तो 30-32 साल की उम्र थी जब सरकारी बंगला, गाड़ी, ये सब छोड़ने की बात आई, तो उस समय ऐसा लगने लगा कि जैसे सब कुछ उजड़ गया है, अब कुछ नहीं बचा है। तो ऐसी परिस्थितियां आती हैं, परंतु उन परिस्थितियों का अगर हम सामना करते हैं तो उससे पार भी पा जाते हैं। विधायक के तौर पे लंबी पारी आपने खेली, क्या अपनी आप इस पारी से संतुष्ट हैं? आपकी भी एक स्वाभाविक है, युवा थे आप, एक महत्वाकांक्षा रही होगी कि इस पद तक पहुंचना है या इस लेवल तक पहुंचना है, क्या वो आपको मिल पाया, नहीं मिल पाया, उसको लेके कोई मलाल? कोई मैं इसको मलाल नहीं मानता हूं, और मैं महत्वाकांक्षा रखने को भी गलत नहीं मानता हूं। परंतु अगर महत्वाकांक्षा की पूर्ति नहीं होती है तो आपको निराश नहीं होना चाहिए, हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। जनता आपको विधायक बना सकती है, जनता आपको सांसद बना सकती है, परंतु मंत्री तो आपको मुख्यमंत्री या केंद्रीय नेतृत्व ही बनाएगा। और इसलिए केंद्रीय नेतृत्व जो भी निर्णय लेता है, हम जब अपने बारे में निर्णय लेते हैं तो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, परंतु जब ऊपर बैठे हुए लोग निर्णय करते हैं तो उनको बहुत सारे परिप्रेक्ष्य में सोचना पड़ता है। और इसलिए अपन ये मानकर, जैसा मैं कहता हूँ कि मैं तो भगवान पर बहुत विश्वास करता हूँ, हमारे अगर वास्तविक राजनीतिक गुरु कहें तो हमारे संगठन मंत्री गोविंद सारंग जी होते थे। उनके दरवाजे पर लिखा होता था कि समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। जब हम लोग उनके पास में नाराज होकर जाते थे तो बोलते थे इसको पढ़ लो। तो उनकी ये जो सीख है वो आज भी जीवन में काम आ रही है। छत्तीसगढ़ बनने के बाद जब आप लोग की सरकार बनी थी, मुख्यमंत्री के तौर पर भी आपको लेके बड़ी चर्चाएं थी, लेकिन जैसा आपने कहा कि नेतृत्व तय करता है और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता, फिर आपके और डॉक्टर रमन सिंह जी के संबंधों को लेकर भी कई बार बहुत तरह तरह की चर्चाएं होती रही, फिर अभी आपने जब विधानसभा से उनको इस्तीफा सौंपा, विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर जब वो थे, क्या वो लम्हा था, क्या आप लोगों के बीच बातचीत हुई? देखिए, बहुत कभी भी मैंने पहले भी कई इंटरव्यू में कहा है कि
इस देश में 140 करोड़ पॉपुलेशन में कोई एकाध व्यक्ति ही होगा जिसके साथ में मेरी दूरियां हों। मैंने कभी किसी से दूरियां नहीं बढ़ाई हैं। जो होता है मतभेद होता है, परंतु मनभेद नहीं होता। और वैसे ही संबंध, और अगर राजनीति में थोड़ी खटपट नहीं होगी तो आपके समाचार कहाँ से बनेंगे। और ये तो पावर गेम है, पावर गेम में पावर प्राप्त करने की कोशिश हर कोई करेगा और कोई अपने पावर देना नहीं चाहेगा। इसलिए इस प्रकार की खट्टी मीठी बातें तो जीवन भर चलती रहेगी, घर में भी चलती है, बाहर भी चलती है, आप जहाँ पर भी काम करेंगे वहाँ पर ये सब चलता रहेगा। बिल्कुल, आने वाले समय को लेकर बाबा आप क्या सोच रहे हैं कि आप सांसद बन चुके हैं, किस तरीके से अपने करियर को, राजनीति को, या कुछ दिमाग में चल रहा होगा कि ये करना है? देखिए, अभी तो रिजल्ट आए हुए मुश्किल से 17 दिन हुआ है और अभी तो हमने दिल्ली भी ठीक से नहीं देखी है। पहले दिल्ली जाएं, देखें, समझें, उसके बाद में निर्णय करेंगे कि हमको क्या करना और क्या नहीं करना है। आपने कहा कि छत्तीसगढ़ का काम करूंगा अब दिल्ली में रह के, ये छत्तीसगढ़ से विदाई नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के लिए, तो पूरे अब छत्तीसगढ़ के लिए अब आप काम करेंगे दिल्ली में रह के, तो किस तरीके का विजन होगा, क्या सोचते हैं आप? देखिए, पहले मैं एक विधानसभा या छत्तीसगढ़ के डेवलपमेंट के बारे में हम विधानसभा में डिस्कस करते थे, चर्चा करते थे। अब हम जाएंगे जहाँ पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे, जहाँ पर देश के गृह मंत्री अमित शाह जी होंगे, जहाँ पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे, जहाँ पर देश के सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी होंगे, जहाँ पर पुराने अनुभवी लोग होंगे जिन्होंने दुनिया देखी है, देश देखा है, देश के बारे में सोचा है और 10 सालों में भारत को एक नई दिशा दी है, नई पहचान दी है, और उनसे सीखेंगे। और सीखने के बाद में छत्तीसगढ़ के लिए तो छत्तीसगढ़ सरकार से भी काम करवाएंगे और साथ में दिल्ली से भी छत्तीसगढ़ के विकास के लिए जो कुछ हो सकता है और देश के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे तो वो हमारा सौभाग्य हो। मान के चले, क्योंकि यहाँ भी हम देखते हैं, जब से आपको देखा है आपके बंगले में सबसे ज्यादा भीड़ रहने वाली मंत्री हैं आप, तो यहाँ के लोग अब दिल्ली में भी पहुंच पाएंगे और वहां भी ऐसी भीड़ देखने को मिलेगी? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हमको अपने पुश्तैनी माता पिता के जमाने से कि जब हम अपने रामसागर पारा घर में होते थे तो अगर भोजन के समय कोई आया तो पिताजी बोलते थे कि भोजन कर लो, तो हमारे घर को तो अग्रवाल धर्मशाला कहा जाता था छात्र जीवन से। तो इसलिए ये तो एक स्वाभाविक पारिवारिक जो गुण मिले हैं कि सबके साथ में विनम्रता से बात करना, अच्छे से बात करना, उनकी बात को सुनना, अगर आप उसका निराकरण कर सकते हैं, कुछ सहायता कर सकते हैं तो वो करना, कोई अगर दुखी व्यक्ति आया है तो उसके दुख को कम करना, उसको ढांढस बंधाना। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो पद और प्रतिष्ठा है वो हमेशा आपके पास नहीं रहेगी और जो आपके संबंध हैं वो आपके पास हमेशा रहेंगे। और इसलिए मेरे साथ में जो स्कूल के ज़माने से जो लोग हैं वो भी आज जुड़े हुए हैं, कॉलेज के ज़माने के लोग भी जुड़े हुए हैं, जो राजनीतिक यात्रा में साथ में आए वो भी आज जुड़े हुए हैं। यहाँ तक कि जब मैं चुनाव लड़ता हूँ तो स्कूल कॉलेज के पढ़े हुए लोग जो देश के विभिन्न कोनों में रहते हैं वो लोग भी यहाँ पर आते हैं। और जब कभी परेशानी होती है, कभी विचलित होते हैं तो अपने दोस्तों यारों के साथ में उसको बांटकर उसको ठीक कर लेते हैं। इसलिए कभी मुझे लगता है कि कोई ऐसी बड़ी दिक्कत नहीं है। मैं तो ये मानता हूँ कि अगर आप किसी परेशानी में हैं, तकलीफ में हैं, आप विचलित हैं, तो आपको तुरंत निर्णय लेने की बजाय उसको थोड़ा सोच विचार करके, कुछ अपने लोगों से बातचीत करके निर्णय लेना चाहिए तो अच्छा निर्णय होता है। प्रदेश की बात करें, जो विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, उसको आपको लेकर ज़्यादा उसका प्यार उमड़ रहा है, आजकल ऑफर भी आपको वहाँ से मिल चुका है? ऐसा है, चलनी बोले तो बोले और जिसमें 100 छेद हैं वो बोलेगा, तो उसके ऊपर कौन विश्वास करेगा। और जहाँ तक प्यार की बात है तो हम लोगों ने मध्य प्रदेश से सीखा है कि जो प्रतिपक्ष है या विरोधी दल के लोग हैं वो हमारे दुश्मन नहीं हैं, उनके साथ में भी
क्योंकि मध्य प्रदेश के ज़माने में हमने देखा है अर्जुन सिंह जी, दिग्विजय सिंह जी, श्यामाचरण शुक्ला जी, मोतीलाल वोरा जी, उनके साथ में हमारे पार्टी के दिग्गज नेताओं के कैसे संबंध होते थे, राजनीति में एक दूसरे के खिलाफ कितना भी तीखा बोलें, विधानसभा में कितना भी तीखा बोलें, परंतु जब आपसी बैठते थे तो हंसी ठिठोली होती थी। और हमने कोशिश की कि वही वातावरण हम छत्तीसगढ़ में भी बनाकर रखें, और उसके कारण जो राजनीतिक विरोधी हैं वो भी कहीं ना कहीं शुभचिंतक हैं। फिर भी कांग्रेस को क्या बोलना चाहेंगे, जो बहुत से ऑफर मिलते हैं या उनका कहना है कि आपके मंत्री पद को लेकर तरह तरह से। मैंने कहा ना कि भाई सूपा बोले तो बोले, छलनी बोल रही है जिसमें 100 छेद हैं, जिसमें खुद में 100 छेद हैं, उनको कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। अब भूमिका, अब क्या एक चर्चा ये भी हो रही थी कि कई संगठन में भी कुछ बड़ी जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, किस तरीके का, क्या संगठन में कोई रोल अपने आप को आप देखते हैं या कुछ ऐसा हिंट आपको कहीं से कुछ मिला? देखिए, मैं अपनी पद प्रतिष्ठा के बारे में निर्णय मैं नहीं कर सकता, उसके बारे में निर्णय पार्टी का शीर्ष नेतृत्व करेगा। वो जो निर्णय करेगा, जो जिम्मेदारी देगा, उसको हम सिरोधार्य करेंगे, उनको निभाएंगे और पूरी सक्षमता के साथ में उसको पूरा करेंगे। छत्तीसगढ़ अभी कैबिनेट बैठक में आपने मंत्री पद से भी इस्तीफा दिया, क्या माहौल था वहां पर? क्योंकि मुझे लगता है सबसे सीनियर आप भी वहां पर थे और वो पल भी थोड़ा भावुक करने वाला रहा होगा कि मंत्री पद से आप। देखिए, बहुत वो तो इमोशनल माहौल था कि अब उसमें जैसे रामविचारणी धाम जी हैं उनके साथ हम मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, केदार कश्यप जी हमारे साथ मंत्री रहे हैं, दयालदास बघेल जी हमारे साथ मंत्री रहे हैं, जो जायसवाल जी मंत्री हैं वो हमारे साथ विधायक रहे हैं, विष्णुदेव साय जी हमारे साथ में विधायक रहे हैं, तो जिनके साथ में पिछले 40 सालों से काम किया है और जिनके साथ में रोज उठना बैठना, गप मारना, काम करना, एक दूसरे को सलाह देना, और अगर जब उनको ऐसा लगता है कि जिनके साथ अब रोज मिलते थे उनसे कभी कभी मिलना होगा, तो वो स्वाभाविक है कि एक भावनात्मक लगाव जो हो जाता है, और जब लगता है कि वो दूर हो रहा है तो आदमी का इमोशनल होना स्वाभाविक है। वहाँ पर भी वातावरण जो था वो इसी प्रकार का था, और मुझे हमारे रामविचार नेताम जी और जायसवाल जी तो मुझे गाड़ी तक छोड़ने के लिए आए। 6 महीने सरकार को छत्तीसगढ़ के हो चुके हैं, आप भी उसका हिस्सा रहे, कैसी चल रही है सरकार, किस दिशा में जा रही है? बहुत अच्छी चल रही है। मोदी जी की गारंटी जो 5 साल के लिए थी उनको 3 महीने में पूरा करके दिखाया, और उसी का परिणाम है कि लोकसभा में अगर हम कहें तो 100% रिजल्ट आया है, 11 में से 10 सीटें हम जीत कर आए हैं, और मोदी जी की लोकप्रियता बनी हुई है। छत्तीसगढ़ में उन्होंने जो वादे किए उनको पूरा करके दिखाया है, और आने वाले समय पर भी बाकी बची हुई गारंटी को भी हम पूरा करेंगे, हमारी सरकार पूरा करेगी। एक चर्चा आपकी सीट को लेकर हो रही दक्षिण में, क्योंकि लंबे समय तक आप जीतते रहे, अब आपके बाद कौन, एकदम से जगह खाली हो गई और बहुत से नाम भी चर्चा में आ रहे हैं, आपको क्या लगता है कौन आपका सही वारिस हो सकता है? आने की चर्चा में नाम राजनीति है। मैंने कहा ना कि सबकी महत्वाकांक्षा होनी चाहिए, कोई गलत बात नहीं है, पार्टी जिसको तय करेगी वो जीतेगा और उसको जिताएंगे। क्या आपके परिवार से भी कोई आ सकता है राजनीति में, किसी की कोई इच्छा या इस बारे में? मैं इच्छा रखना अलग बात है और इच्छा का पूरा होना अलग बात है। जनता आपको वोट दे सकती है, विधायक बना सकती है, सांसद बना सकती है, परंतु उससे ऊपर की कोई बात है तो उसके बारे में पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करता है, वो जो तय करेगा वो सबको स्वीकार हो। आपकी कोई अपनी इच्छा या कोई पसंदीदा नाम है कोई आपका? कोई इच्छा और पसंदीदा नाम जहां पर बताना चाहिए वहीं पर बताएंगे। लंबी पारी आपने खेली, मैं चाहता हूं कि ऐसे बहुत से नए विधायक, उनको कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे छत्तीसगढ़ के खास तौर पे? मैं ये कहूंगा कि अगर हम विधायक के रूप में, संसद के रूप में, जनप्रतिनिधि बनकर जनता की सेवा करना चाहते हैं तो हमको अपने बारे में कम सोचकर जनता के बारे में हमको ज़्यादा से ज़्यादा सोचना चाहिए, और हम सिर्फ उनको वोटर नहीं माने, उनको
हम अपने परिवार के सदस्य जैसा ट्रीट करें तो मुझे लगता है कि आप राजनीति में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल ब्रजमोहन जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप दिल्ली जा रहे हैं, सफल पारी सांसद के तौर पर भी आप रखे लें। तो हमारे साथ सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल जी थे, जिनको अब आप विधानसभा के बाद संसद में देखेंगे, संसद में छत्तीसगढ़ और देश की बातें रखते हुए देख पाएंगे। उम्मीद है उनके अनुभव का लाभ छत्तीसगढ़ को और बड़े लेवल पर यहां पर मिलेगा। बात विभाग में इतना ही, नमस्कार।